डर उनको लगता है जो वैकेंसी का इंतजार करते हैं कि सर वैकेंसी आएगा, पेपर फिर कैसा होगा, किस तरीके का पेपर होगा, उनको कभी डर नहीं लगता जो हर दिन पढ़ते हैं। आपका ये ड्रीम है और अगर आप चाहते हो कि इस बार आपको चूकना नहीं है तो आपको हर दिन मेहनत करना है और आपको ये सोचना है कि मुझे इस बार किसी भी कीमत पे नहीं चूकना है, क्योंकि जो ड्रीम है उसको अगर आपको हकीकत में बदलना है तो आपको हर दिन मेहनत करना ही पड़ेगा। ठीक है, नीचे लिंक होगा, जुड़ जाइएगा। जब भी आप ड्रीम डोज का वीडियो देखने आते हो, स्पेशली साइंस के वीडियोस, पेन और पेपर लेके बैठिएगा ताकि चीजें आपको लिखनी है, आप यहां सिर्फ क्वेश्चंस को रटने के लिए नहीं आए हो, चीजों को समझ के कनेक्ट करके फिनिश करने के लिए आए हो। नीचे लिंक होगा, जुड़ जाइएगा। स्टार्ट करते हैं और फिर से हम बता दें, जितने भी यहाँ साइंस के वीडियोस डाले गए हैं ये मोर देन इनफ है आपके दरोगा के लिए। अगर आपको दरोगा बनना है, ठीक है, ये चैनल आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करना है। और आज हम रात को वीडियो डालेंगे कि हमने किस तरीके से 80 प्लस क्वेश्चंस प्री में करेक्ट किया था। ठीक है, चाहे वो दरोगा हो चाहे ESI हो, प्री का मैं बात कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है, और मेंस का मेंस से बात करेंगे। आप पेन पेपर लेके बैठिएगा। और एक चीज हमने किया है कि बहुत लोग बोले थे सर आप जब बोलते हो तो लिख नहीं पाते, तो हमने यहाँ लिख दिया, इंग्लिश में है बट हिंदी में भी बोलते हुए चलेंगे। अपना नोट बना लीजिएगा, जिसने नोट बना लिया उनका साइंस कंप्लीट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो क्रायोजेनिक इंजन होता है, ठीक है, जो क्रायोजेनिक इंजन है बेसिकली वो किस चीज में यूज किया जाता है, यहाँ ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ये आपका आई थिंक 21वां वीडियो है, ठीक है, आपका स्पीडी के सेशन में। देखिए तो क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किस में होता है, तो आपको याद रखना किस में होता है, तो ये होता है आपका रॉकेट में होता है। किस में होता है? रॉकेट में क्रायोजेनिक इंजन का यूज किया जाता है। पहला क्वेश्चन तो ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, पूछा गया था कि जो आपका रॉकेट है, ठीक है, जो रॉकेट है इसमें एज ए फ्यूल, एज ए ईंधन किसको यूज किया जाता है, तो आपको याद रखना है लिक्विड नाइट्रोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है लिक्विड नाइट्रोजन। ठीक है, तो अगर आपको पूछे कि जो आपका जो रॉकेट है उसको फ्यूल, उसका फ्यूल जो होता है, ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो आपको याद रखना है लिक्विड नाइट्रोजन। दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है, जो आपका जो क्रायोजेनिक इंजन का यहाँ बात किया गया है जो कि हम लोग रॉकेट में यूज करते हैं और इसमें हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन एज ए ईंधन के रूप में यूज करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि किस सिद्धांत पे ये काम करता है, तो याद रखिएगा लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम मतलब होता है संवेग, रेखीय संवेग की आपका संरक्षण पे ये काम करता है, तो लीनियर मोमेंटम मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन के सिद्धांत पे काम करता है आपका रेखीय, आपका संवेग पे ये काम करता है। ठीक है, तो लीनियर, ठीक है, मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा कि लीनियर मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, उस पर ये काम करता है। एक और क्वेश्चन यहां से बनता है कि जो न्यूटन का किस लो पे जो रॉकेट है वो काम करता है, तो आपको याद रखना है न्यूटन का जो थर्ड लो है उस पर ये काम करता है। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्रायोजेनिक इंजन, मेरे साथ बोलोगे क्रायोजेनिक इंजन क्या में यूज किया जाता है, तो आप बोलोगे एग्जाम से पहले आप, मैं बता रहा हूं ना, आप टॉपर के लिस्ट में होगा एग्जाम जब आप दोगे। तो देखिए क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें यूज किया जाता है, तो आपको याद रखना है रॉकेट। दूसरा क्वेश्चन, रॉकेट में फ्यूल के फॉर्म में क्या यूज किया जाता है, तो आपको याद रखना है लिक्विड नाइट्रोजन। किस सिद्धांत पे काम करता है, तो लीनियर मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, लीनियर मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन के सिद्धांत पे काम करता है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूटन के किस सिद्धांत पे ये काम करता है, तो आपको याद रखना है न्यूटन के थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन पे ये काम करता है, जो न्यूटन का थर्ड लॉ है। ठीक है, इतना चीज आपको याद रखना है। द्रव्य में पृष्ठ तनाव होता है। अब देखो पृष्ठ तनाव मतलब होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन अब याद रखिएगा, द्रव्य में पृष्ठ तनाव होना है, क्यों होता है, तो आपको याद रखना है अणुओं के बीच में, अणु मतलब होता है मॉलिक्यूल, अणुओं के बीच में कोहेसिव फोर्स के कारण। अब दो चीज याद रखना है आपको, एक होता है आपका कोहेसिव फोर्स और दूसरा होता है आपका एडेसिव फोर्स। अब ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है जो कोहेसिव फोर्स होता है किसके बीच में लगता है, तो याद रखिएगा किसी भी धातु का, किसी भी धातु का, धातु अगर बोलो तो ज्यादा हो जाएगा, सिंपल बोलो किसी भी तत्व का जो मॉलिक्यूल्स है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसे अणुओं के बीच में, ठीक है, अगर कोई फोर्स लगता है तो आपको याद रखना है वो है आपका कोहेसिव फोर्स। मतलब पानी के, एक पानी का बूंद है और पानी के बूंद के जो अणु है उसके बीच में जो फोर्स लगेगा उसको क्या बोला जाता है, कोहेसिव फोर्स बोला जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब फोर्स सेम मॉलिक्यूल के बीच में लगेगा, सेम अणुओं के बीच में लगेगा, तो उसको हम लोगे कोहेसिव फोर्स। बट अगर मान लीजिए यहां पानी है, ठीक है, और पानी के अणुओं के बीच अगर फोर्स लग रहा है तो ये हो गया आपका कोहेसिव फोर्स। बट अगर ये पानी किसी, याद रखिएगा ये अगर पानी में यहां करता हूं, ये पानी का ड्रॉप है और पानी के जो ये अणु है, ठीक है, ये पानी के अणुओं के बीच, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स। यस राइट। और अगर ये पानी अणु जो है, अणु को मैं किसी
मान लीजिए बर्तन में रख दूं या किसी टेबल पे ये पानी गिर गया, ये पानी क्या कर देता है आपका, ये टेबल को भिगा देता है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ये टेबल के जो ऊंट है, मतलब टेबल जो है, ठीक है, टेबल किससे बना हुआ है आपका, काठ से, मतलब ऊंट से बना हुआ है। तो टेबल का जो अणु है, जो काठ है उसका अणु, ठीक है, और जो ये पानी के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं एडेसिव फोर्स। दैट मीन्स जब मॉलिक्यूल सेम हो तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो लगेगा कोएसिव फोर्स। पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन। दूसरा, जब मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो और उनके बीच जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं एडेसिव फोर्स। याद रखिएगा, तो यहां बोला है कि द्रव्य में पृष्ठतनाव होता है तो आपको याद रखना है कोएसिव फोर्स के कारण होता है। यही अगर लिखा होता कि पानी किसी टेबल पे गिरा हुआ है और पानी के बीच में और टेबल के बीच में जो फोर्स लग रहा है, दोनों के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है, अणुओं के बीच में जो फोर्स लग रहा है, वो कौन सा फोर्स है, तो वो है आपका एडेसिव फोर्स। ठीक है, दो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। नेक्स्ट आपको याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बॉल पॉइंट होता है, ठीक है, बॉल पेन आपने सुना होगा, तो जो बॉल पेन है, ठीक है, वो बॉल पेन है किस फेनोमेना पे काम करता है, तो आप बोलोगे सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। क्या मैंने बोला, किस पे काम करता है, तो पृष्ठ तनाव। आपको पूछा जाएगा जो बॉल पेन होता है, ठीक है, जो बॉल पेन जो होता है, बॉल पेन, ठीक है, किस फेनोमेना पे काम करता है, तो आपको बोलना है सरफेस टेंशन के फेनोमेना पे। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, बहुत बार इसका पूछा जाता है कि फॉर्मूला क्या होता है, तो जो सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है आपको याद रखना है वो क्या होता है, एफ बाई एल। F क्या है आपका फोर्स है, ठीक है, और L क्या है आपका लेंथ है। तो फोर्स बाय लेंथ है, जो ये फॉर्मूला होता है ये होता है आपका सरफेस टेंशन का, ये होता है आपका पृष्ठ तनाव का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका यूनिट भी बहुत बार पूछा गया है, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और लेंथ का क्या होगा, मीटर। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर जो हो जाएगा इसका यूनिट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन और पूछा जाता है, हमने आपको क्या कहा है, यू विल बी मास्टर, ठीक है, और जो कंसेप्ट वाला, जो एनसीईआरटी वाला वीडियो होगा उसका हम फोल्डर अलग बना देंगे, ठीक है। अब देखिए, तो ये हो गया न्यूटन मीटर। और चौथा क्वेश्चन एक पूछा जाता है, जो आपका जो गर्म, जब आप कुछ भी सूप पीते हो, ठीक है, कोई भी गर्म चीज खाते हो, तो आपको वो बहुत ही क्या लगता है, आपको वो टेस्टी लगता है, आखिर क्यों वो टेस्ट इतना क्यों लगता है, वो भी सरफेस टेंशन के कारण। ये सब समझाएंगे, बस अभी याद रखो क्वेश्चन के फॉर्म में। एक और क्वेश्चन और याद रखिएगा, पांचवा नंबर का क्वेश्चन, कि जब भी, ठीक है, आपने देखा होगा कि पानी जब जम जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें मच्छर हो जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या मिला देते हैं, तो उसमें मिला देते हैं हम लोग किरासन। क्यों मिला देते हैं, पूछा जाएगा, किरासन मिलाने से पानी में क्या होगा, तो उसका सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है, और सरफेस टेंशन अगर डिक्रीज हो जाएगा तो अणु अलग अलग हो जाएगा। ध्यान देना बातों पर, अगर आपको लगता है कि आप रट के इससे पढ़ के चले जाओगे, नहीं बनेगा मेरे, ध्यान से समझना। किरासन डाला, किरासन डालने से क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगा होता है वो कम हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोएसिव फोर्स कम हो जाएगा, और जो मच्छर के जो बच्चे होते हैं उसमें लोआ पुआ जितना होता है वो डूब के खत्म हो जाता है। तो याद रखिएगा, ये किरासन वाला भी क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने क्या बोला, सेम मॉलिक्यूल के बीच में अगर फोर्स लगेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कोएसिव फोर्स, जो कि आप समझ गए अणुओं के बीच में लगेगा, सेम अणु के बीच में, जैसे कि वाटर और वाटर का जो मॉलिक्यूल्स उसके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कोएसिव फोर्स। बट जो वाटर का मॉलिक्यूल्स है और अगर किसी काठ पे रख देते हैं तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, उन दोनों के जो अणुओं में फोर्स लगेगा, एडेसिव फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका सरफेस टेंशन है, ठीक है, जो सरफेस टेंशन है, ठीक है, इसका सबसे बड़ा बात, जो बॉल पॉइंट होता है, पूछा जाता है जो बॉल पॉइंट होता है वो किस फेनोमेना पे काम करता है, किस सिद्धांत पे, तो सरफेस टेंशन पे। नेक्स्ट याद रखिएगा, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो F by L होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन पर मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद रखना, अगर हम लोग किरासन मिला देंगे पानी में तो उसका सरफेस टेंशन घटेगा या बढ़ेगा, उसका सरफेस टेंशन घट जाएगा, इसी कारण से क्या होता है आपका जो मच्छर है वो डूब के मर जाता है, ठीक है। एटलीस्ट इतना क्वेश्चन आपको यहां से याद रखना है, ठीक है। एक थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो पूछा गया था, मैं उसको समझा देता हूं एक बार, ठीक है, ध्यान से समझना, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था तो पूछा गया था, और अब ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे और आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से समझना। देखो, अगर हम लोग, ठीक है, ये आपका टेबल है, ठीक है, तो टेबल पे अगर पानी का बूंद गिरता है, ठीक है, और यही आपका, ठीक है, आपका एक मार्करी, मतलब पारा का एक बूंद गिरता है, तो याद रखिएगा जो ये पानी है टेबल को भिगा देता है, लेकिन जो आपका पारा है, सिंपल हाथ में भी अगर आप पारा रखोगे तो आपका हाथ नहीं भीगेगा, मार्करी रखोगे तो, ठीक है, बट अगर पानी रखोगे तो ये भीग जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा क्यों होता है, तो याद रखिएगा जो आपका पानी के केस में क्या होता है, आप याद रखना, यहां जो कोएसिव फोर्स जो होता है लेस होता है किसके कंपेयर में, एडेसिव फोर्स के कंपेयर में, याद रखना है, किसके लिए, यहाँ कोएसिव फोर्स जो है, मतलब उसके बीच में अणुओं के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कम है, कंपेयर टू किसके, जो आपका टेबल का और आपका पानी के बीच में जो फोर्स लग रहा है, याद रखिएगा पहला। दूसरा क्वेश्चन आप याद रखिएगा, वही अगर हम लोग पारा का बात करते हैं तो यहां जो होता है कोएसिव फोर्स ग्रेटर होता है कंपेयर टू एडेसिव फोर्स। अब एडेसिव फोर्स क्या है, कोएसिव फोर्स क्या है, मैंने बता दिया, सिंपल याद रखना, पानी के केस में कोएसिव फोर्स कम होगा कंपेयर टू एडेसिव फोर्स, और आपका पारा के केस में कोएसिव फोर्स ज्यादा होगा कंपेयर टू एडेसिव फोर्स, ठीक है, इतना चीज आपको याद रखना है।
याद रखोगे तो आपका बहुत भला हो जाएगा, ठीक है। बाकी लोग छोड़ के आएंगे, आप लोग करके आओगे। अब देखिए नेक्स्ट आपका यहां तक हो गया। दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी, आपको पता है इनको आपको केमिस्ट्री में भी मिला था और इनको आपको फिजिक्स में भी मिला था। और वो कौन है? तो वह है आपके मैडम क्यूरी जी। कौन है? मैडम क्यूरी। इनको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों लिख लेना, किस में मिला था, तो फिजिक्स में मिला था और केमिस्ट्री में मिला था। रेडियम का डिस्कवर किसने किया था? तो इन्होंने ही किया था। और पोलोनियम, पोलोनियम एक तत्व है, ठीक है, एक एलिमेंट है, तो रेडियम और साथ में साथ पोलोनियम, इसका भी डिस्कवर किनके द्वारा किया गया था? तो मैडम क्यूरी के द्वारा। अब याद रखेगा पोलोनियम क्यों? क्योंकि ये जो थे ये पोलैंड की रहने वाली थी, ठीक है, ये पोलैंड की रहने वाली थी, उसी के नाम पे पोलोनियम एक तत्व का इन्होंने खोज किया था। अगर आपने 60 जो अभी जो बीपीएससी का पेपर हुआ है अगर आपने उठा के देखा है तो हमने आपको बहुत बार बोला है कि जो मैं बोलता हूँ उसको शांति से आप लोग सुना करो, ठीक है। हमने आपको रेडियो एक्टिव वाला क्वेश्चन करवाया था, रेडियो एक्टिव मैंने मतलब इतना डिटेल में मतलब पढ़ाया था मैंने एकदम निकाल निकाल के कि किस तरीके से रेडियो एक्टिविटी में क्या क्या होता है, एक न्यूट्रॉन मारेगा तो 3 न्यूट्रॉन निकलेगा, याद है कि भूल गए, ठीक है। अब उससे बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया, पूछा ये गया था जो आप ध्यान से समझना, एक बार रेडियो एक्टिव को हम लोग करते हैं। देखो रेडियो एक्टिविटी 3 तरीके का आपको रेज निकालता है, कौन सा? अब ध्यान से देखना, अल्फा बीटा एंड गामा। अगर कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो क्या निकालेगा? अल्फा निकालेगा, बीटा निकालेगा और गामा निकालेगा। पहला पॉइंट याद रखिएगा, यही 3 निकलता है। तो पहला क्वेश्चन तो आपको ये याद रखना है। दूसरा पूछा गया था इस बार एग्जाम में कि जो अल्फा पे चार्ज क्या होता है, तो मैंने क्या बताया था? +2 चार्ज होता है, +2 चार्ज, और इक्वल टू किसकी होता है? ये हेलियम न्यूक्लियस की, याद रखिएगा मैंने ये चीज बताया था। और यही क्वेश्चन आया था कि इसमें सिंपल उन्होंने तो पूछा सिर्फ चार्ज क्या होता है, तो अल्फा पे होता है आपका पॉजिटिव, ठीक है, वो भी +2 चार्ज होता है, बीटा पे होता है आपका नेगेटिव, और गामा पे क्या होता है? कोई या नेगलिबल चार्ज होता है, आप ये न्यूट्रल मान सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको बताया था। फिर से मैंने आपको क्या बताया था? अल्फा बीटा जो डिस्कवर किया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है डिफरेंट एग्जाम में, तो अल्फा और बीटा जो किया गया था ये रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था, ठीक है, किसके द्वारा? रदरफोर्ड के द्वारा अल्फा और बीटा किया गया था। पर जो गामा जो किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था विलार्ड के द्वारा, याद रखिएगा। तो पूछेगा कि अल्फा और बीटा रेस किसने डिस्कवर किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। गामा किसने किया था? तो विलार्ड ने किया था। और एक क्वेश्चन मैंने आपको और यहां करवाया था कि जो अल्फा और बीटा है ये सिर्फ किरणें हैं, दैट मींस ये सिर्फ रेज है, ठीक है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है अल्फा और बीटा। बट मैंने आपको कराया था जो गामा जो है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। और मैंने ये भी कराया था सबसे ज्यादा जो भेदन क्षमता होता है वो आपका गामा का होता है, क्योंकि गामा का सबसे ज्यादा एनर्जी होता है, याद रखिएगा। बहुत सारी चीज मैंने आपको यहां करवाया, जितना चीज मैंने यहां करवाया याद रखिएगा। अगर ऐसे पढ़ते हो देखो हमेशा इसी तरीके से ट्राई करना है, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन करके चला जाऊँ आप लोग बहुत व्यूज यहाँ देने वाले हो मुझे पता है, लेकिन वही अगर चीज़ समझाने लगता हूँ तो फिर कम हो जाता है व्यूज, ठीक है। चलिए अब यहाँ हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, ठीक है, और पेन पेपर लेके बैठना है, ये मस्ट है, जितने भी पेड ग्रुप में है ये मस्ट है कि आपको लिखना है जो मैं बोलता हूँ। देखिए दालें किसकी अच्छी स्रोत होती है, सबको पता है जो दाल जो होता है किसका अच्छा स्रोत होता है, तो आपको याद रखना है वो होता है आपका प्रोटीन। प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोयाबीन, ठीक है। और सोयाबीन याद रखिएगा हम लोग सोया स्टेट किसको बोलते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा सोयाबीन प्रोड्यूस करता है, तो मध्य प्रदेश को, तो मध्य प्रदेश को हम लोग सोया स्टेट बोलते हैं। और याद रखिएगा प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स जो है आपका दाल है, प्लस जो बहुत अच्छा सोर्स है वो आपका सोयाबीन है। अब हम प्रोटीन पे जितने भी क्वेश्चंस बने हैं अब हम उसको डिस्कस करते हैं, आप जल्दी से लिखोगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपको पूछा जाएगा, ठीक है, कि जो प्रोटीन का सबसे जो छोटा यूनिट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे एमिनो एसिड। क्या बोलोगे? सबसे छोटा यूनिट प्रोटीन का क्या होता है? एमिनो एसिड। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि कितना यूनिट ऑफ एमिनो एसिड मिलके आपका प्रोटीन बनाता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये है 20 यूनिट ऑफ एमिनो एसिड मिला के एक प्रोटीन बनता है। एक क्वेश्चन और पूछा गया था, 4 वहां ऑप्शन दिया हुआ था, और आपको पूछा जाएगा कि जो प्रोटीन है उसमें कौन सा तत्व होता है, कौन सा एलिमेंट होता है, तो उसका आंसर मानना है आपको नाइट्रोजन, बाकी जो रहेगा नहीं रहेगा, बट मेनली आपको याद रखना है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन अब याद रखिएगा, जो हाइड्रोजन है इस पे मैंने 5 मिनट का एक वीडियो बनाया, जितने भी क्वेश्चन हाइड्रोजन से बने हैं मैं नीचे लिंक दे दूंगा, देख लेना, ठीक है। हाइड्रोजन से कभी कोई क्वेश्चन गलती नहीं होगा, हाइड्रोजन से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना प्रोटीन सबसे पहला याद रखोगे, स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है प्रोटीन का क्या होता है, वो होता है आपका एमिनो एसिड। दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है जो कितना यूनिट ऑफ एमिनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाता है, तो 20 यूनिट ऑफ एमिनो एसिड मिलके आपका प्रोटीन बनाता है। इसमें क्या क्या तत्व होता है, तो नाइट्रोजन पक्का याद रखना, नाइट्रोजन के साथ कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। नेक्स्ट
जो प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोला जाता है, तो याद रखिएगा प्रोटीन का जो फैक्ट्री होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वो बोलते हैं हम लोग राइबोसोम। राइबोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। एक चीज मैंने और भी आपको करवाया था, हमेशा कनेक्ट करना है। राइबोसोम से मैंने आपको क्या करवाया था, ये एक ऐसा कोशिकांग है जो आपको पादप जगत में भी मिलता है और आपका जंतु जगत में भी मिलता है। याद रखिएगा ये एक ऐसा राइबोसोम, ये एक ऐसा कोशिकांग है, एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो आपको पादप जगत में भी मिलता है और आपका जंतु जगत में भी मिलता है। इसीलिए इसको यूनिवर्सल कोशिकांग, यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। किसको, राइबोसोम को। और मैंने आपको क्या कराया था, जो आरएनए है, ठीक है, तो आरएनए जो है ये भी प्रोटीन बनाने में सहायक होता है, प्रोटीन बनाने में क्या होता है, सिंथेसिस करने में सहायक होता है, याद रखिएगा। उसके बाद अगर प्रोटीन का कमी हो जाता है तो दो बीमारी से हमेरा हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक होता है आपका क्वासिरकोर और एक होता है आपका मेरस्मस। अपने शब्दों में लिख लो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है मेरे बातों को बस सुनते हुए चलेगा। तो दो बीमारी होता है, एक बच्चों में हो जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वासिरकोर, और एक ओल्ड एज जो पर्सन होते हैं उनमें हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेरस्मस, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद जो ये प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन तो हम लोग खाते हैं, पूछा जाता है कि जो प्रोटीन का जो पाचन, देखो क्वेश्चन आप ध्यान से समझना, अगर बोलेगा कि खाना का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो मुख से स्टार्ट होता है, पर याद रखिएगा मुख में जो पाचन होता है वो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स का, पहला क्वेश्चन। बट दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि जो प्रोटीन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आपको बोलना है पेट से, अमाशय से स्टार्ट होता है, और पूरी तरीके से कहाँ जाके पच जाता है, तो छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब याद रखना, याद रखना पेप्सिन, पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है, ठीक है, पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो कि आपका पेट में बनता है गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा, ठीक है। तो पेप्सिन क्या है, पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो किसको पचाता है, प्रोटीन को पचाता है। कहां पचाता है, तो आपका पेट में, अमाशय में पचाता है, ठीक है। और ये जो पेप्सिन एंजाइम है किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। और जब इसको फाइनल जो पाचन होता है, पूरी तरीके से जो पाचन होता है, वो छोटी आंत में होता है, ठीक है, जिसको हम, और वहां क्या रिलीज होता है, ट्रिप्सिन रिलीज होता है, ठीक है, ट्रिप्सिन। और ये ट्रिप्सिन जो है आपका छोटी आंत में आपको प्रोटीन को पूरी तरीके से पचाने में हेल्प करती है। बट अगर पूछे कि ट्रिप्सिन बनाता कौन है, तो आपको याद रखना है ट्रिप्सिन कौन बनाता है, तो पेनक्रियाज बनाता है। पेनक्रियाज को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड, ओनली मिक्स्ड ग्लैंड। क्यों, क्योंकि ये हार्मोन भी रिलीज करता है और आपका क्या करता है, आपका एंजाइम भी रिलीज करता है, ठीक है, समझ में आया। इतना आप एटलीस्ट याद रखना यहां से प्रोटीन से। चलिए चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये हो गया आपका प्रोटीन का। नेक्स्ट है आपका यहां यकृत, यकृत पे जो क्वेश्चन बना है, लीवर पे जो क्वेश्चन बना है, देखते हैं। अब लीवर पे तो मैंने आपको उस दिन भी करवाया था, ठीक है, प्लीज हाइड्रोजन वाला देख लेना, नीचे लिंक दे दूंगा मैं, ठीक है। देखो यकृत द्वारा स्रवित पित्त रस कहां संचित होते, पित्त रस मतलब होता है आपका, देखो पित्त रस मतलब होता है बाइल जूस, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। देखो पित्ताशय मतलब होता है गोल्ड ब्लडर, ठीक है, गोल्ड ब्लडर इंग्लिश वाले लोगों के लिए। तो अगर आपको पूछेगा यकृत मतलब लीवर, ठीक है, तो यकृत जो होता है स्रवित करता है पित्रस, दैट मीन्स बाइल जूस, ठीक है। तो ये जो बाइल जूस है आखिर आपका स्टोर कहाँ होता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है, जो आपका जो बाइल जूस है, जो आपका, ठीक है, जो पित्रस है बेसिकली, वो किसके द्वारा बनाया जाता है, तो आपका किसके द्वारा, आपको लीवर के द्वारा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये कहाँ जाके स्टोर होता है, तो पित्ताशय में, दैट मीन्स आपका लीवर में, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, जो ये बाइल जूस है बेसिकली इसका काम क्या होता है, तो ये फैट को तोड़ता है, वसा को तोड़ता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखें, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में सिंपल याद रखोगा, फैट को तोड़ता है, छोटे भागों में फैट को तोड़ता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या बाइल जूस एक एंजाइम है, उसमें चार दिया होगा, इसमें से पूछा जाएगा क्या बाइल जूस एक डाइजेस्टिव एंजाइम है, क्या ये पाचन एक रस हम इसको मान सकते हैं, तो जी नहीं, जो आपका बाइल जूस है, जो आपका पित्त रस है, ठीक है, वो एक डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं है, ठीक है, वो पाचन रस नहीं है, याद रखना नहीं है, ठीक है। अब हम लोग लीवर पे आते हैं, लीवर पे जल्दी से क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, जो लीवर से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जो लीवर जो होता है, लीवर को सबसे बड़ा जो ग्रंथि है हमारे बॉडी में, सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, वो है आपका लीवर। दूसरा जो सबसे बड़ा ग्रंथि है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है आपका पेनक्रियास। और पेनक्रियास क्या है, मिक्स्ड ग्लैंड है, याद रखिएगा। पूछा जाएगा पहला सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, ग्रंथि कौन सा है, ठीक है, ग्लैंड कौन सा है, तो आप बोलोगे वो है लीवर। दूसरा अगर पूछेगा दूसरा सबसे बड़ा कौन है, तो पेनक्रियास है, और पेनक्रियास क्या है, एक मिक्स्ड ग्लैंड है, याद रखिएगा। उसके बाद जो लीवर का अगर हम लोग बात करें, पूछा जाता है कि बॉडी जो है हमारा, उसमें जो आपका यूरिया कौन बनाती है, तो याद रखिएगा वो भी बनाते हैं, लीवर जो है यूरिया बनाती है। यूरिया का फॉर्मूला हमेशा रट के रखना है, क्या होता है, NH2CONH2, बहुत बार पूछा गया NH2CONH2, ठीक है। यूरिया से दो क्वेश्चन और, पहला क्वेश्चन यूरिया से क्या पूछा जाता है, तो ये पूछा जाता है कि सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, सबसे पहला ऑर्गेनिक यौगिक जो लैब में बनाया गया था, वो क्या था, आपका यूरिया था। दूसरा क्वेश्चन, जो ह्यूमन एक्सक्रीट करते, जो ह्यूमन अपना गंदगी बाहर निकालते, वो कौन से फॉर्म में निकालते, तो यूरिया के फॉर्म में निकालते, ठीक है, ये भी चीज दो यूरिया से याद रखिएगा।
और हमने क्या बोला, लार्जेस्ट ग्रहण जो होता है लीवर होता है, ठीक है, ये यूरिया बनाता है। और नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था सिरोसिस, ठीक है, सिरोसिस CIRROSIS, सिरोसिस लिखोगे तो समझेगा, एक बीमारी होता है। अगर आप बोलते हैं ना, अगर ज्यादा अगर आप वाइन लेते हो, ठीक है, वाइन लेते हो, मतलब कौन सा वाइन लोगो जल्दी से बताओ। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आपको मैं वाइन बोलता हूँ, दारू बोलता हूँ, तो C2H5OH दिमाग में आना चाहिए। आप जहरीला दारू नहीं पियोगे, आप मिथेनॉल नहीं पियोगे, आप क्या पियोगे, इथेनॉल पियोगे, C2H5OH। तो अगर आप ज्यादा दारू पीते हो, ज्यादा अगर आप वाइन कंज्यूम करते हो, तो आपको एक बीमारी हो जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं सिरोसिस। तो पूछा जाता है सिरोसिस बीमारी बेसिकली क्या होता है, तो आपको याद रखिए कि इसमें आपका लीवर डैमेज हो जाता है अगर आप ज्यादा दारू पीते हो, वाइन ज्यादा कंज्यूम करते हो, ठीक है। उसके बाद ये बाइल जूस बनाता है, मैंने बताया, ठीक है, पित्त रस बनाता है, ठीक है, और पित्त रस रिस्टोर कहां होता है, तो गोल ब्लैडर में, दैट मींस पित्ताशय में होता है, ठीक है। और जो ये बाइल जूस है, जो पित्त रस, इसका काम क्या होता है, तो ये फैट को तोड़ता है, बट ये एक डाइजेस्टिव इंजाइम नहीं है, ये एक पाचन रस नहीं है, ये चीज याद रखिएगा। और सबसे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो लीवर जो है ये विटामिन ए को स्टोर्ड करता है, और विटामिन ए को दो जगह आपको स्टोर होता है हमारे बॉडी में, एक होता है हमारा जो फैट, ठीक है, वसा वाले जो उत्तक होते हैं, ठीक है, उसमें स्टोर होता है, ठीक है, और दूसरा जो होता है हमारा जो विटामिन ए है, जो वसा वाला उत्तक होता है, डेट मीन्स फैट टिश्यू होता है, उसमें स्टोर होता है, और एक लीवर में स्टोर होता है। और ग्लाइकोजिन भी याद रखिएगा, आपका लीवर में स्टोर होता है, और ग्लाइकोजिन एक जगह और स्टोर होता है, जो हमारे मसल होता है उसमें भी होता है। यहाँ विटामिन ए लिखा हुआ, एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो आपका गोल्डन राइस जो होता है, ठीक है, जो गोल्डन राइस होता है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो गोल्डन राइस जो है, ठीक है, गोल्डन राइस जो है किस चीज के लिए बहुत ही रिच होता है, तो इसमें याद रखिए गोल्डन राइस जो होता है बहुत ही रिच होता है आपका विटामिन ए के लिए, ठीक है। विटामिन ए से की कमी से रतौंधी हो जाता है, आपको पता है। और एक चीज और याद रखिएगा, विटामिन ए को हम लोग नॉन इन्फेक्शियस विटामिन बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, क्या बोलते हैं, नॉन इन्फेक्शियस विटामिन, क्योंकि ये जो है आपका क्या करता है, आपका WBC इंक्रीज करने में हेल्प करता है। और हमेशा मैंने आपको कितनी बार आपको एग्जाम जाने से पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि इसका 5 टाइप होता है, ठीक है, मैंने आपको करवाया था ये WBC का, व्हाइट ब्लड सेल का, लिम्फोसाइट, ठीक है, मोनोसाइट, ये सब मैंने करवाया था। तो वहाँ एग्जाम में लिम्फोसाइट दिया हुआ था कि प्रतिरोधक क्षमता कौन बढ़ाता है, WBC नहीं दिया हुआ था। तो थोड़ा अंदर जाके आप पढ़ना है, ठीक है, इतना चीज आप यहाँ से याद रखोगे। ये हो गया आपका, ये हो गया यकृत वाला। नेक्स्ट आते हैं जो प्रसव वेदन, दैट इज परसिपिरेशन जो होता है, ठीक है, जो पसीना जो निकलता है बेसिकली, आपको याद रखना है, उससे क्या होता है, तो हमारे बॉडी का जो तापमान है वो नियंत्रण होता है। तो हमारे बॉडी से जो पसीना निकलता है उससे क्या होता है, हमारे बॉडी का ताप नियंत्रण होता है। बट यही एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो हमारा माइंड जो है, जो हमारा जो ब्रेन है, उसका कौन सा वाला पार्ट है जो आपका बॉडी का टेम्परेचर जो है रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, तो क्या बोलोगे, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या होता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, इसीलिए पूछा बोला जाता है। एक याद रखना ये वर्ड थर्मोस्टेट, ठीक है, तो पूछा जाता है कि हमारे बॉडी का थर्मोस्टेट किसको बोलते हैं, तो आपको हाइपोथैलेमस को बोलते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोथैलेमस सबसे पहला बॉडी का टेम्परेचर को कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। हमारे बॉडी का थर्मोस्टेट किसको बोला जाता है, तो हाइपोथैलेमस। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको बोला जाता है, तो हाइपोथैलेमस। और याद रखिएगा, जितने भी हमारे फीलिंग्स होते हैं, डिजायर, जितनी भी ये चीजें, फीलिंग आना, ठीक है, डिजायर, किसी चीज के लिए डिजायर होना, ये सब किसके अंदर, जैसे कि आपका लव का डिजायर, किसी को देखते हो आपको लव का फीलिंग आता है, ये किसके कारण होता है, तो आपका हाइपोथैलेमस के कारण होता है, याद रखिएगा। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कैसा दर्पण प्रयोग किया जाता है, आपको पता है, ये होता है आपका उत्तल दर्पण, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। हमेशा याद रखना, जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है, मैक्सिमम बार कैसा वो इमेज बनाता है, तो याद रखिएगा, वो वर्चुअल इमेज बनाता है और इरेक्ट इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक होता है आपका अवतल दर्पण, ये है आपका उत्तल दर्पण। तो याद रखिए, जब भी हम लोग अवतल दर्पण का बात करेंगे, ठीक है, कॉनकेव मिरर का बात करेंगे, तो वो बनाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड मतलब वास्तविक एंड उल्टा बनाता है, और साइज में बड़ा होता है। ध्यान से फिर से मैंने क्या बोला, जब भी कॉनकेव मिरर होगा, अवतल दर्पण होगा, वो इमेज कैसा बनाएगा, सबसे पहला बात, वो बड़ा इमेज बनाएगा, दूसरा वो रियल इमेज बनाएगा, मतलब वास्तविक इमेज बनाएगा, और तीसरा मैंने क्या बना, वो उल्टा इमेज बनाएगा, ठीक है। बट हमारा जो उतना आप याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण में क्या होता है, सबसे पहला बात, तो ये आभासीय बनाता है, इमेज जो बनाएगा, ठीक है, छवि जो बनाए, इमेज जो बनाएगा आभासीय बनाएगा। दूसरा, ये इमेज जो बनाएगा क्या बनाएगा, सीधा बनाएगा। और नेक्स्ट, ये इमेज जो बनाएगा डिमिनिश्ड बनाएगा। डिमिनिश्ड मतलब क्या होता है, छोटा इमेज बनाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। किसका प्रॉपर्टी था, उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का यूज तो एक तो रियर व्यू के लिए करते हैं, रियर व्यू मतलब पीछे देखने वाला जो आईना होता है उसके लिए करते हैं। और नेक्स्ट याद रखोगे, स्ट्रीट लाइट में भी हम लोग क्या यूज करते हैं, याद रखना ध्यान से, यहाँ आप कॉनकेव लगा के मत आ जाना, क्योंकि मैक्सिमम कॉनकेव भी होता है, ठीक है। अब
तो स्ट्रीट लाइट में भी क्या यूज़ करते हैं उत्तल दर्पण, ज़्यादा डिटेल में इसमें अभी नहीं जाएंगे, ठीक है। हर दिन क्या करूँगा ना, दो तीन टॉपिक को मैं क्लियर करते हुए चलूँगा, जितने क्वेश्चन उससे पूछे गए। चलिए ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान है क्योंकि इस अवस्था में अणु, आपको सबको पता है संपीड़ित मतलब क्या होता है, कंप्रेस्ड करना, गैस को कंप्रेस्ड करना क्यों इजी होता है, क्योंकि उसके जो अणु जो होते हैं, ठीक है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है, तो अपने मध्य, ठीक है, अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं, ठीक है, और ये याद रखिएगा यही इसका आंसर होगा, ये आपका गैस वाला, ठीक है। गैस से बहुत सारे गैस लो आपको पढ़ा बहुत बार किए, नेक्स्ट वीडियो में गैस लो एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है, ठीक है, याद रखना इसमें क्या होता है आपका साइट्रिक अम्ल होता है। आप जल्दी से हम लोग रिविजन करते हैं, ठीक है, कि क्या क्या इससे क्वेश्चन आपको बनेगा। एक चीज़ आप याद रखना, जो भी चीज़ करवा रहा हूँ ना प्लीज़ नोट बना लेना, एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं देखना है आपको। चलिए अब एसिड का हम लोग बात करते हैं, ठीक है, एसिड का अगर हम लोग बात करें, एसिड का अब हम लोग बात करते हैं, देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग एसिड का बात करते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया था एसिड के में कि एसिड को अगर हम लोग पानी में मिलाते हैं तो क्या देता है, तो याद रखिएगा H प्लस आयन, क्या मैंने बोला H प्लस आयन, तो जितना ज़्यादा, ठीक है, पावरफुल एसिड होगा वो उतना ज़्यादा H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा वाटर में। मैंने क्या बोला, जो जितना ज़्यादा पावरफुल एसिड होगा वो उतना ज़्यादा आयन प्रोड्यूस करेगा वाटर में, तो वाटर याद रखिए पानी में जब लोग एसिड मिलाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा आपका H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा। अगर एसिड है तो उसका पीएच कितना होगा, तो हमेशा उसका पीएच जो होगा लेस देन 7 होगा, जो आपका एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि जो एसिड जो है, ठीक है, वो ब्लू लिटमस को क्या कर देता है, रेड लिटमस में चेंज कर देता है। ये इस बार ही पूछा गया था, उसमें पूछा गया कहते हैं रेड लिटमस को ब्लू में कौन करता है, तो याद रखिएगा ब्लू लिटमस को रेड में कौन चेंज कर देता है, तो आपका एसिड कर देता है। वही आपका ब्लू से रेड कौन करेगा, एसिड करेगा, ठीक है, और रेड से ब्लू कौन करेगा, बेस करेगा, मतलब क्षारीय करेगा, याद रखिएगा दोनों। और अगर जो आपका जो आपका लिटमस पेपर है, ठीक है, वो न्यूट्रल स्टेट में उसका कौन सा कलर होता है, तो याद रखिएगा पर्पल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसा होता है, बैंगनी होता है। अगर पूछेगा लिटमस का नॉर्मल जो न्यूट्रल उसका कलर कैसा होता है, तो पर्पल होता है, याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा, जो लिटमस जो बनाया जाता है, जिससे हम लोग एसिड बेस चेक करते हैं, किससे बनाया जाता है, तो लाइकन से बनाया जाता है, ठीक है, कितनी बार मैंने कराया ये। और लाइकन क्या होता है आपको, एल्गी मतलब शैवाल और फंगस से बना होता है, मतलब फफूंद से बना होता है, और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। ये भी दरोगा का क्वेश्चन है, पता नहीं ये सब कितने कितने बार कहां कहां पूछा गया, ठीक है, तो जो बोलता हूं उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आपको लिटमस जो है याद रखिएगा क्या होता है, लिटमस जो होता है बेसिकली किससे बना होता है, तो लाइकन से बना होता है, और लाइकन किससे बना होता है, एल्गी एंड फंगी से बना होता है, और इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन होता है, म्यूचुअलिज्म। ये भी चीज मैं समझा चुका हूँ, इतना चीज आपको यहाँ याद रखना है, ठीक है। अब याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर हम लोग एसिड और बेस को अगर रिएक्ट करते हैं तो उसको हम कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, किस टाइप का वो रिएक्शन है, तो वो है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, उदासीकरण वाला रिएक्शन इसको हम लोग बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अगर हम लोग एसिड और बेस को, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों को, बेस मतलब होता है क्षारीय, एसिड मतलब अम्ल, ठीक है, तो एसिड और बेस को अगर हम लोग रिएक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो क्या बनता है, तो उससे सॉल्ट बनता है। अब इसका एग्जाम्पल यहाँ समझ लो थोड़ा, HACl, ठीक है, HACl और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको अगर आप बनाओगे, इस बार भी BPSC में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, तो एक तो इसमें सॉल्ट निकलेगा और दूसरा इसमें वाटर निकलेगा, तो आपको पूछा जाएगा जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को हम लोग मिला देंगे तो क्या बनेगा, तो शुगर बनेगा नहीं, सॉल्ट बनेगा, ठीक है, और क्या बनेगा, पानी बनेगा। तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है जब हम लोग एसिड को और बेस को हम लोग मिला देते हैं। यही एक क्वेश्चन और पूछा गया था, मैं देखो एकदम एग्जांपल के साथ आपको पढ़ा दे रहा हूँ ताकि कोई लगे नहीं कि आप रट रहे हो, ठीक है। जब हम लोग एसिड को, ठीक है, जब भी कोई एसिड को अगर हम लोग कोई मेटल के साथ, धातु के साथ रिएक्ट करते हैं, तो पूछा गया था कि कौन सा गैस निकलता है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस निकलता है, और साथ में यहां भी नमक निकलेगा, जैसे कि देखो HCl है, ठीक है, और यहां Na है, तो ये हो गया NaCl, और क्या निकला यहां आपका H2 निकला, ठीक है। अब कुछ जो आपको डायरेक्टली याद रखना है, सबसे पहले जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया था साइट्रिक एसिड, ठीक है, जो साइट्रिक एसिड होता है ये किस चीज में मिलता है, तो जितना भी खट्टा फल होता है उसमें साइट्रिक एसिड मिलता है, ऑरेंज हो गया, नींबू हो गया, ये सब में, ठीक है, तो ऑरेंज हो गया, नींबू हो गया, इसमें साइट्रिक एसिड मिलता है। अब याद रखिएगा, अब जो भी फॉर्मूला बोलने जा रहा हूं आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। और मैं शुरू से बोलता था कि थोड़ा डिटेल में करो, थोड़ा डिटेल में करो, ठीक है, इसको चलिए साइड कर देते हैं, ठीक है। देखिए
सबसे पहले हम लोग ने साइट्रिक एसिड का बात किया, तो साइट्रिक एसिड याद रखिएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो C6H8O7 इस तरीके से याद रखना, C6H8O7। आप बहुत सारे ट्रिक यूज कर सकते हो, बस अभी सिंपल याद रखो साइट्रिक एसिड जो क्या होता है खट्टे फलों में मिलता है, ठीक है। और इसका जो ये होता है मतलब इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, C6H8O7, ठीक है, इतना समझ में है। उसके बाद याद रखिएगा एसेटिक एसिड याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जाता है कि जो विनेगर होता है, जो सिरका होता है, उसमें कौन सा एसिड होता है, तो आपको याद रखना है एसेटिक एसिड होता है। और जो विनेगर है, जो सिरका है, इसमें कितना परसेंट आपका एसेटिक एसिड होता है, तो याद रखिएगा 5-8% होता है। और इसका फॉर्मूला भी याद कर रखना है CH3COOH, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड क्या में मिलता है, तो आपका पालक में मिलता है और आपका टोमेटो में मिलता है, टमाटर में मिलता है, क्या ऑक्सैलिक एसिड याद रखिएगा, पालक और टमाटर में मिलता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इस बार बीबीएससी का फॉर्मूला ये पूछा गया था, C2H2O4, क्या C2H2O4 याद रखिएगा। और ये जो टमाटर है, टमाटर लाल क्यों होता है, तो लाइकोपीन के कारण होता है, ये भी याद रखिएगा। और स्पेनिज मतलब क्या होता है आपको, जो पालक, कौन सा बीमारी होने से आपको पालक खाना पड़ेगा, एनीमिया में क्या होता है आपको, जो आपका रक्त है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो एनीमिया में क्या होता है, स्पिनिच खाना है और आपको विटामिन B12 भी आपको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, क्योंकि अल्प रक्त माना जाता है अगर आपको एनीमिया हो जाएगा। तो ये सुनते हुए चलिएगा, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका जो ग्लास होता है, ग्लास, ठीक है, आपने देखा होगा ग्लास को अपना बड़ा सुंदर सुंदर फूल बना दिया जाता है, जिसको बोला जाता है इचिंग ग्लास, ठीक है। तो ग्लास का जो इचिंग किया जाता है, ठीक है, उसके ऊपर जो नकाशी जो ड्रॉ किया जाता है, उसके लिए कौन सा एसिड यूज होता है, तो आपको याद रखना हाइड्रोफ्लोरिक एसिड यूज होता है आपको इचिंग ऑफ ग्लास के लिए, नकाशी बनाने के लिए, याद रखना, ठीक है। फिर पेपर करके आओगे बोलोगे सर पढ़े नहीं, आप तो पढ़ाए थे लेकिन हमको किसी ने कुछ बोला, हम पढ़े नहीं, ठीक है, यही फिर चलते रहेगा आपका बोल बोल के गला बैठ गया, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद रखना H2SO4 से, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि सल्फरिक एसिड। पहला क्वेश्चन याद रखोगे, आपको पूछा जाएगा कि किंग ऑफ एसिड, ठीक है, मतलब एसिडों का राजा किसको बोला जाता है, तो आपको याद रखना है वो है आपका सल्फरिक एसिड को। दूसरा, लीड एसिड बैटरी में कौन सा एसिड होता है, तो आपको याद रखना है H2SO4 होता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ऑयल ऑफ विट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली इसे लिखा रहेगा, ऑयल ऑफ विट्रोल किसको बोलते हैं, तो आपको याद रखना है ऑयल ऑफ विट्रोल जो बोलते हैं वो H2SO4 को बोलते हैं। नेक्स्ट, आपका एप्पल में कौन सा एसिड होता है, तो आपको याद रखना एप्पल में क्या होता है, आपका मैलिक एसिड होता है। कौन सा, मैलिक एसिड होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो C4H6O5, क्या मैंने बोला C4H6O5 जो होता है इसका फॉर्मूला होता है। एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है, आपको एक्वा रिजिया बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जो आपको जो सोना को गलाने में यूज किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वा रिजिया। तो पूछा जाता है जो एक्वा रिजिया में बेसिकली क्या होता है, तो याद रखिएगा 3:1 के फॉर्म में, यहां लिखा हुआ है 3:1 के फॉर्म में क्या होगा, 3 यूनिट अगर HCl होगा तो 1 यूनिट उसमें क्या होगा आपका नाइट्रिक एसिड होगा। अभी और एक चीज याद रखना है, एकदम बारीकी चीजें याद रखना है, यहाँ कौन सा एसिड मैंने लिखा है, तो कंसेंट्रेटेड एसिड। कौन सा, कंसेंट्रेटेड मतलब क्या होता है, उसमें पानी का मात्रा कम होगा और एसिड ज्यादा होगा, तो कंसेंट्रेटेड HCl और कंसेंट्रेटेड HNO3 को अगर मिलाओगे 3:1 के फॉर्म में तो क्या बनेगा, एक्वा रिजिया, जो आपका सोना को क्या करता है, गलाने में हेल्प करता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि म्यूरेटिक एसिड, ठीक है, MURIATIC म्यूरेटिक एसिड किसको बोला जाता है, तो वो बोला जाता है आपको किसको, HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ही हम लोग म्यूरेटिक एसिड बोलते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा गया था, एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ये पूछा गया था कि जो पेट में जो अमाशय में जो हमारा एसिड बनता है वो कौन सा एसिड बनता है, तो वो HCl बनता है। और पूछा गया था वो जो बनता है उसका pH कितना होता है, तो 2.5 याद रखना है, ये भी आपका ESI का मेंस का क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए यहां हो गया, अब ये तो मतलब समझ लो कि दरोगा में आपका लिखा हुआ ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जो भी पढ़ा रहा हूं तो आएगा ही, बट ये तो सियोर आएगा। और BPSC भी देख लेना पेपर उठा के। देखो, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से, ठीक है, किस गैस को उत्तरदायी ठहराया जाता है। पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया होगा, ध्यान से समझना पूछा कैसे जाता है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, पूछेगा, ठीक है, किसमें से कौन सा नहीं है दरोगा वाले, और जो बीपीएससी वाले हैं उसमें क्या होगा, किसमें पूछा जाएगा कौन सा है, मतलब उसका तो खैर आप समझ सकते हो, ठीक है, कि क्या होता है। तो याद रखना जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ठीक है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए बेसिकली जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो जितने भी हरित गैस है, दैट मीन जो ग्रीन हाउस गैस है, मैंने आपको समझाया है, ठीक है, कि ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, तो आपको उसको पता होना चाहिए ग्रीन हाउस गैस क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे खतरनाक कोई ग्रीन हाउस गैस है तो वो है आपका कौन, CO2, दैट मींस कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे खतरनाक गैस है। उसके बाद अगर कोई अगर सबसे खतरनाक है तो वो है आपका मीथेन, ठीक है।
ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। मीथेन से बहुत सारे यूजेस होता है, इस पर हम बात करेंगे। तो याद रखिएगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैसों को उत्तरदायी ठहराया जाता है, तो याद रखिएगा जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस है वो सब गैस जो होते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जिसमें से सबसे दो इंपॉर्टेंट गैस है वो है आपका CO2 और आपका CH4। अब जल्दी से देखो उसका लिस्ट आपको लिखना है अगर आप चाहते हो कि जीवन में जल्दी सक्सेस हो जाए। ध्यान से देखो क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए, देखिए आपको पूछा जाएगा कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। आप लिख लो, सबसे पहला CO2 याद रखोगे, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसका परसेंटेज भी पूछा गया है, कितना परसेंट है हमारे वातावरण में, तो 0.04%। दो क्वेश्चन यहां से याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आप याद रखोगे मीथेन जो कि ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको हम लोग एनेस्थेसिया के लिए भी यूज करते हैं और इसी को हम लोग लफिंग गैस बोलते हैं, तो N2O जो है ये क्या है आपका एक ग्रीन हाउस गैस है, बट एग्जाम में जो था वो था S2O, ठीक है। नहीं, S2O ने SO2 सल्फर SO2, तो याद रखिएगा SO2 जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इनडायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस है। तो ऑप्शन में आपको किसको आंसर मानना है कि कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो आएगा, तो SO2 जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्या क्या है, तो CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन जो है ग्रीन हाउस गैस है, N2O जो नाइट्रस ऑक्साइड है या आप इसको बोल सकते हैं जो लफिंग गैस है वो एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। उसके बाद HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है ग्रीन हाउस गैस है, और ओजोन को जिसको हम लोग बोलते हैं O3, ठीक है, तो ओजोन जो है ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। उसके बाद SF6, ठीक है, हेक्साफ्लोराइड, ठीक है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, बस लिख लो, ठीक है। उसके बाद वाटर वेपर जिसको हम जल वाष्प बोलते हैं, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। अब कुछ दो तीन पॉइंट है जो आपको यहाँ से याद रखना है, बस सबसे पहले याद रखना कि CO2 का कितना परसेंट होता है वातावरण में, तो 0.04%। अब जो ये CH4 है मीथेन, इसका सबसे पहले मीथेन को किस नाम से जाना जाता है, तो मार्स गैस, MARSH मार्स गैस, इसी को डैम्प गैस बोलते हैं। डैम्प गैस क्यों, क्योंकि ये दलदली वाले इलाकों से मिलता है। और नेक्स्ट याद रखिएगा, पूछा जाएगा जो आपका जो चावल का जो फील्ड होता है, आप बोल सकते हो जो धान का जो खेती होता है, ठीक है, जो पैडी फील्ड होता है, ठीक है, उससे कौन सा गैस निकलता है, तो आपको याद रखना है मार्स गैस निकलता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो गोबर गैस होता है, उसमें जो मैन गोबर गैस हो जाए, बायोगैस हो जाए, उसमें जो मेन कंपोनेंट होता है वो कौन होता है, मीथेन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ मीथेन होता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है गोबर गैस में, और आपका हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है, ठीक है, इतना याद रखना। और NO2 जो है नाइट्रस ऑक्साइड, इसको हम लोग एनेस्थीसिया के लिए यूज करते हैं, जब ऑपरेशन करते हैं तो सुन करने के लिए बॉडी के लिए यूज करते हैं, और इसको हम लोग किस क्या जानते हैं, तो इसको हम लोग लफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए इसको आज इतना ही रखेंगे, 40 मिनट्स काफ़ी है, बाकी आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा, ठीक है। देखिए मेहनत आपके लिए किया जा रहा है, आपको शायद आपको दिखता भी होगा, अगर नहीं दिखता है तो आप सब वीडियोस कंप्लीट कीजिए, आपको दिख जाएगा। सो थैंक यू सो मच, नीचे लिंक होगा, प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, और अगर आपको लगता है कि कुछ चेंजेस आपको होना चाहिए तो प्लीज़ बताइएगा। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।